हाँ तो भाई फाइनली सेल का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अगले 3 घंटे में फ्लिपकार्ट की बिग ब्लैंड डे सेल स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। हाँ प्लस मर्जी वालों को एक्सेस दिया जाएगा बट स्टार्ट तो हो ही जाएगी। और भाई देखिए हम हर बार क्या करते हैं कि हम फ्लिपकार्ट को बोलते हैं कि आपने ये प्राइजिंग में फ़ोन बताया और आपने प्राइजिंग में दिया नहीं। तब की बार फ्लिपकार्ट वाले खेला खेल गए और अभी 3 घंटे पहले उन्होंने प्राइस रिवील किया। हालांकि अभी अगर आप जाते हो फ्लिपकार्ट तो प्राइजिंग शो नहीं किया जाएगा आईफोन 15 का, लेकिन फाइनली यहाँ पर हमारे सामने लीक हो चुकी है और 100% कन्फर्म है कि यही प्राइजिंग हमें देखने को मिल जाएगा। जो आईफोन 15 होने वाला है वो हमें जो यहाँ पे बैनर शो किया जाएगा 49,999, यानी फिर 50,000 का हमें आईफोन 15 अब की बार देखने को मिलने वाला है। तो आप सोचो कि 50,000 है, यहाँ पे साइड में स्टार भी डाला हुआ है, तो एक्चुअल प्राइसिंग कितना होगा? देखिए यहाँ पे 3,000 एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस जो ऐड किया गया है, मतलब आप समझ सकते हो कोई भी फोन एक्सचेंज करते हो तो आपको 3,000 प्लस किया जाएगा, प्लस 2,000 के यहाँ पे HDFC के क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम अगर HDFC के क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट भी जोड़ लेते तो सिनेरियो में आपको स्मार्टफोन 53,000 का देखने को मिल जाएगा, मतलब 53,000 में अब की बार सेल में, हाँ अगले 3 घंटे में आपको आईफोन 15 देखने को मिल जाएगा। तो अब की बार इन्होंने जो प्राइस लो वाला फीचर था वो भी नहीं है, मतलब भाई सब फोन पे S23 पे रखा, S23 प्लस पे रखा, बट भाई आईफोन 15 जो मेन फोन होता है जिसके लिए वैसे सालों भर आदमी इंतजार करता है कि अब मैं फ्लिपकार्ट की PPT सेल में फोन बाय करेंगे, बट अब की बार इन्होंने नहीं रखा है। तो आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो आपने मन बनाया हुआ था तो सिंपल से आपको HDFC के क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ कर लेना है, उस सिनेरियो में आप 53 में बाय कर पाओगे। नहीं तो भाई अगर आप HDFC के क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ नहीं कर पाते उस सिनेरियो में आपको स्मार्टफोन जो है 55,000 का देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 3,000 एक्सचेंज डिस्काउंट होने वाला है जो लगभग कोई नहीं लेता है। 99% तो आदमी नहीं लेगा, मुझे भी पता है आपको भी पता है। और 2,000 का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा था, तो अगर आप विदाउट बैंक डिस्काउंट भी लेते हो तो आपको 55,000, और बैंक डिस्काउंट अगर आप लगाते हो HDFC क्रेडिट कार्ड का 2,000 का आप लगा लीजिएगा, जुगाड़ कर लीजिएगा, तो आपको सिनेरियो में 53,000 का देखने को मिल जाएगा। देखिए इसमें ऑफिशियली जो यहाँ पे प्राइस ब्रेकडाउन किया गया तो उसमें आपको EMI बता दें कि अगर आप क्रेडिट कार्ड पर EMI कराते हो तो सिनेरियो में आपको 3,000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बट भाई अगर आप EMI पे लेना ही चाहते थे तो उस सिनेरियो में तो सही बात है, बट 1,000 रुपये आप ज़्यादा देके कि भाई मैं EMI पे ले लेता हूँ तो भाई आपको EMI पे नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे नो कॉस्ट EMI तो बताया जाता है, बट भाई जो भी यहाँ पे आप मंथली जो आपका पैसा कटता है तो उस पर GST लगता है। तो आप सोचो कि भाई 1,000 रुपये मैं यहाँ पे बचा लूँ, बट उस सिनेरियो में आपको 3,000 से 4,000 रुपये एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो आप 1,000 रुपये बचाने के चलते में आप HDFC क्रेडिट कार्ड पर EMI ना कराइएगा। हाँ आपने पहले से सोचा था कि भाई मैं EMI पे फोन लूँगा तो उस सिनेरियो में कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, आपका 2 से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है, UPI के पेमेंट भी बताया गया कि अगर आप UPI के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको खाली 1,500 का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको फोन है 53,500 का देखने को मिल जाएगा। देखिए अगर आप क्रेडिट कार्ड पे फुल स्वाइप करते हो एक साथ पेमेंट करते हो तो उस सिनेरियो में 53,000, और अगर आप EMI पे करते हो तो आपको उस सिनेरियो में 52,000 बताया जाएगा, बट वो 52,000 रहेगा नहीं, आप उस सिनेरियो में 55,000 मान के ही चलेगा। और अगर आप यहाँ पे UPI के थ्रू पेमेंट कर देते हो तो उस सिनेरियो में आपको जो है 53,500 का आईफोन देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल तगड़ी डील, अगर आपको न्यू आईफोन का एक्सपीरियंस करना है तो बिंदास होकर आप ये फोन बाय कर सकते हो। बात करते हैं iPhone 15 Plus के बारे में, तो उसका भाई कहीं जिक्र नहीं किया, मतलब भाई मैं ढूंढते ढूंढते थक गया, पिछले आधे घंटे से मैं ढूंढ ही रहा हूँ। इन्होंने 9 बजे प्राइस रेंज बताया था और अभी 9:16 हो रहे, मतलब भाई 16 मिनट हो चुका है तब पर भी अभी तक इन्होंने जो है iPhone 15 Plus की प्राइसिंग रिवील नहीं किया है। बट आप समझ सकते हो लगभग 65,000 के आसपास की प्राइसिंग हमें देखने को मिल जाएगा, एक्चुअल प्राइसिंग 65,000 हो सकता है, फिर उसके बाद में बैंक डिस्काउंट लगा तो ये सब लगाने के बाद में आप स्मार्टफोन को 67,000-68,000 में बाय कर पाओगे। हालांकि अगर एडिटिंग के दौरान आते तो मैं आपके सामने फोटो लगा दूंगा तो आप समझ जाइएगा, बट बात करें 67,000 मतलब अंडर 70,000 के आसपास भी अगर हमें iPhone 15 Plus देखने को मिल जाता है तो आपका लेने का मन है तो आप ले सकते हो, क्योंकि 80,000 में या फिर 75,000 में ऑलरेडी iPhone 16 देखने को मिल जाता है, और भाई दोनों में हमें जो है 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। हाँ थोड़ा डिस्प्ले हमें यहाँ पे iPhone 15 Plus में बड़ा देखने को मिल जाएगा, बट मैं आपको बोलूंगा भाई अगर 70,000 के आसपास आता है ये तो 5,000 और जोड़िए, 75,000 में आप iPhone 16 की तरफ जाइएगा तो वो ज्यादा आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी रहेगा, बेटर रहेगा, बढ़िया, मतलब सब कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर आप लेने का मन है तो 15 प्लस भी ले सकते हो, बट मैं आपको उतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। आईफोन 15 53,000 आप बिंदास होकर बाय कर सकते हैं। अगर साथ ही साथ में आईफोन 15 प्रो की बात करें तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग शो किया जाएगा 90,000 रुपीज़, लेकिन आपको 90,000 में ये फोन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज बोनस जोड़ा गया, तो आप समझ सकते हो 95,000, 5,000 के यहाँ पे बैंक डिस्काउंट मिलेगा, मतलब एक्चुअल प्राइसिंग 1,00,000 रुपये होगी, बट 5,000 अगर हम यहाँ पे बैंक डिस्काउंट बैठा देते हैं उस सिनेरियो में आप स्मार्टफोन आईफोन 15 प्रो को 95,000 में बाय कर सकते हो, तो भी एक बढ़िया डील है। फिर आईफोन 15 प्रो मैक्स की बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है 1,10,000 रुपये, बट भाई 1,10,000 में आपको पता नहीं बाय कर पाओगे, यहाँ पे एक्सचेंज बोनस 5,000 का देखने को मिलता है, मतलब एक्चुअल प्राइसिंग 1,20,000 होगी, 5,000 का यहाँ पे जो HDFC क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट भी जोड़ते हैं तो 1,15,000 में आप आईफोन 15 प्रो मैक्स बाय कर पाओगे। तो ठीक ठाक ओवरऑल हमें डील देखने को मिल जाता है, बट भाई आईफोन 15 53,000 के हिसाब से ओवरऑल मुझे बेटर डील लगा है, बढ़िया डील लगा है। अगर भाई आपने लेने का प्लान बना रहा तो बस भाई जल्दी जल्दी खाना पीना खा कर तैयार हो जाइए, आपको देखिए 12 बजे सेल स्टार्ट हो जाएगी आज रात को प्लस मर्सिप वालों के लिए, और आपने प्लस मर्सिप लेकर रखोगे सिंपल सा आपको सेटिंग में
ऑप्शन है, चेक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको लगभग 11:50 पे ही भाई खोल के बैठ जाना है, ऐप खोल लीजिएगा या फिर लैपटॉप है तो वेबसाइट खोल लीजिएगा, सारा एड्रेस फिलअप करके रखना है, फिर जो भी आपके डेबिट कार्ड की डिटेल्स है फिल करके रख लेना है। और जैसे सेल स्टार्ट होती, मतलब सेल स्टार्ट होने को 2-3 मिनट पहले, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था ना कि 12 बजे सेल स्टार्ट हो जाती है, बहुत लोग को 11:57 पर ही सेल स्टार्ट हो गई थी, उनके लिए उन्होंने बुक भी कर दिया था। तो आपको 10 मिनट पहले बैठ जाना है, एकदम पूरा वेबसाइट बेकायदा खोल के बैठ जाना है और सब कुछ यहाँ पे सेट आउट करके रखना है कि भाई एड्रेस हुआ, फिर आपको जो कार्ड की डिटेल्स हुई, सब कुछ अगर यहाँ पे होता है सेव करके रख लेना और सीधा आपको डायरेक्ट बाय वाले क्लिक पे जो है बाय वाला ऑप्शन देखने को मिलता है उस पर क्लिक कर देना है, तभी आप बाय कर पाओगे। नहीं तो फिर भाई अगर पता चले वो 60,000 तक पहुँच जाए, फिर भाई आप सोचोगे कि भाई 7,000 एक्स्ट्रा देना पड़े, तो उतनी वैल्यू फॉर मनी वाला हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको 53 में ही देखने को मिल जाता है तो बेटर है, मतलब 55 तक भी मिल जाता है तो एक बार मैं आपको हाँ बोल दूंगा, बट भाई अगर 60 तक जाता है तो सिनेरियो तो भाई आपके ऊपर है, आईफोन है, आईफोन आदमी चाहे जितने में भी ले सकता है। वैसे भाई हालांकि आप इस टाइम पे सेल में कौन सा आईफोन बाय करने वाले हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें जो बेल का आइकन है उसे भी दबाएं, और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।